हेड पाया कीड़े पिटंगे दे विच ना कोई मंजी ना कोई विसरा ना कोई काणा पिणा ने ए टांडड़ी भुक्के भाणे इयां खले आ जी कोई साढे कोल वली भला सा कोई कशई कोई नहीं है साढे उधो कोई दर मदारी कीती जा वल्ला रे नादे मेरा रे बच्चे भी भुक्के भुक्के मार गए दो लर नारी नाजरीन आज इस घर में मौजूद हूँ आज से दो दिन पहले ये घर हंसी खुशी अपनी जिंदगी बसर कर रहा था मगर कल शाम की चलने वाली तेज हवा की वजह से इस घर में आग लगी है और आग लगने के नतीजे में आप देख सकते हैं कि इस घर का सारा सामान जल कर राख हो चुका है मैं तो खुद आ देखे भी इन्हों के कोई बिस्तरा नहीं बचे कोई मंजी नहीं बची कोई कपड़ा भी नहीं बचाया अच्छा जो कुछ इन्होंने कोई जिंदगी का खटिया कमाया है वो भी इत मोबाइल शोबैल इन्हों की आग लग गई पैसे पा आग लग गई मोटरसाइकिल आग लग गई कोई चीज़ नहीं बची मैं तो खुद आन के देखे हर चीज़ का सफाया इन्हों गया लेकिन इन्हों को कोई चीज़ खाने पीवन दी भी नहीं बची तो ना ही कोई उत्ते पाई ना कोई म मंजी बची है तो ना ही कोई उत्ते पाता कोई कपड़ा बच्चे नहीं बिल्कुल इन्हों शुदे की गरीबों की बिल्कुल बहुत ज़्यादा इन्हों कस लग गई है ये ये माड़े लोग हैं इन्ही हर शायद लुट्टी पुटी गई है हर चीज़ में अग लग गई है तो अला हकाम तो गुजारे से इन्हों की कोई मदद की जाए बहुत ही इन्हों का नुकसान हो गया जी बस्मिल्ला रमान रहीम असल नाजरीन आप देख रहे हैं पाक पब्लिक व्यूज़ और मैं हूँ नासिर शम्स नाजरीन आज जिस घर में मौजूद हूँ आज से दो दिन पहले ये घर हँसी खुशी अपनी जिंदगी बसर कर रहा था मगर कल शाम की चलने वाली तेज़ हवा की वजह से इस घर में आग लगी है और आग लगने के नतीजे में आप देख सकते हैं कि इस घर का सारा सामान जलकर राख हो चुका है आज इस घर में गम के बादल मुंडला रहे हैं और हर आंख अश्क है नाजरीन आइए इन लोगों से जानते हैं कि इनके घर में आग कैसे लगी और इनका कितना नुकसान हुआ है अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे ख़्याल में इनके घर का पूरा सामान जलकर राख हो चुका है आप देख सकते हैं इनकी जो बाइक है वो भी जल के राख हो चुकी है घर की चारपाइयाँ हती के इनकी जो झोंपड़ी जो थी वो भी जल के राख हो चुकी है नाजरीन मुतासरा ख़ानदान की एक बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद है नाजिन आइये इनसे बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी हर चीज ऐसा जल गई है कुछ शाई नहीं बची है बर्तन नहीं बचिया मोटरसाइकिल नहीं बचे चार पाइया नहीं बचिया का कपड़ा नहीं बचा बरसा नहीं बचिया कुछ नहीं बची है निे नि बच्चे न चीज जल गई है यही और मैं मैं जी बरगौदा मेरा नहीं सार निकल सकता मैं हाल हाल बहुत बताई है मेरा कोई वसीला नहीं बनिया मेरी हर चीज जी सड़ गई है हर चीज जल गई है कुछ नहीं बची जी देख सकते हो कुछ नहीं बची है ये आग लगी कि मैं भाई बेटा कोई पता नहीं नहीं पता कि मैं लगी है आग कोई पता नहीं लगा कोई आप आग लगी है कोई कोई दुश्मन नहीं मेरा कि मैं आग लगी है मैं नहीं पता कि मैं लगी है रसी सौ रहे थी नहीं बच्चा मैं कोई पता नहीं है मैं बगैर किसे तो नहीं भाग सकती या। ए, जान किस आग लगी है रात बजे लगी है नाजरीन रात के एक बजे लगने वाली आग में इन लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जानें बचाई है अपने छोटे छोटे बच्चों को बचाया है लेकिन ये अपने सामान की हिफाजत नहीं कर सके ये ऐसा मारे लोग हैं बड़ी जुगी आग लग गई जी साढ़े बच्चे बच गए ऐसा कोई चीज नहीं बाबा संभाल सके कोई साडे तैयार दरसीकार छोड़ो जी मदद करो इमदाद करो बाबा इमदाद करो साडे कल खुशी कोई नहीं है ना कोई दाना ना पक्का कोई पैसा पा कांड पत्ती हर चीज सडी जल गई है नाजरीन ये खाना बदोश लोग है ये तो का नवाई इलाका जंगल डेरे वाला के साथ रहते हैं और इनके घर का सारा सामान जल के राख हो चुका है बुजुर्ग ख़वातीन और बच्चे ये गम से निडाल है और कल रात से रो रो कर इन्होंने अपना जीना मुहाल किया हुआ है जी पता नहीं है मैं पाया से रात एक बजे आग, आग लगी जी जी किस तरह आग लगी है आग लगी कि आग लगी ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅੱਗ ਜਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਆਸ਼ਪਕਾ ਇਹ ਬਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮਸਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਰ ਤਾਂ ਪਰ ਸਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਮੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਮੇ ਢੋਰਨ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੁਰ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਖਲੀ ਆ ਮੁਰ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ ਹੋਰ ਸਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ ਸੜ ਗਿਆ ਸੜ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸੜ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਾ ਸਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਭ ਕੋ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਸੜ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਕਿਤਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲ ਗਿਆ ਜੋ

ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਆ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੱਸੇ ਬਚਾਣੇ ਕਪੜਾ ਥਿਗੜਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਉਪਰੇ ਦੋਸਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਸਾੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਆਂ ਜੀ ਤੇ ਐਸਾ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਬੜੇ ਜੀ ਦੇਖ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ 2 3 56 ਨੇ ਬਣਾਇਓ ਸੀ ਇਹ ਗਰਬਾਸੋਂ ਸਲਾਕ ਮੁੱਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜਲ ਜੁਲ ਗਨ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਉਤੋਂ ਦੀ ਚਿਪੜੀ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਕੜੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਕੜੇ ਜਲ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੱਖ ਕਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਲ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖ ਲੈ ਬਾਬਾ ਨਾ ਕਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਦੋ ਦੋ ਪਰ ਤੇ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਆਂਗੂਏ जी मेरे आमी बेवी है तो ये जड़ी है साडा ना अपू है लड़का है साडा यो इको ने बच्चे यो सने सानू जगाण लगा सानू पता ही नहीं असि mm. तो मसे बच्चे में ने सानू मसे खींच के सकता बे साडा तस त सिर दा कपड़े ने बचा ना को साडी जूती बची गई है देख लियो कोई साडी हिम्मत कोई हो सके mm. कोई गुंज्यास करण गरीबों दे कोई असन

यहाँ तक के सर्दियों के दिन है और इनके बिस्रे तक जल चुके हैं और खाने पीने के जो बर्तन है वो भी जल कर राख हो चुके हैं इन लोगों का हुकाम बाला से मुतालबा है और एहलियान इलाका से मुतालबा है कि हमारी मदद को पहुँचे नाजरीन हमारे साथ इलाके की एक समाजी शख्सियत मौजूद है आइए इनसे बात करते हैं असल वालेकाम जी क्या नाम है आपका मोहम्मद रियाज रियाज साहब ये आपके हमसाएँ इन के साथ ये जो दर्दनाक वाक्य पेश आया है ये कैसे वाकया पेश आया यार पता नहीं ये बता रहे हैं भाई कोई एक बजे का टाइम है याक लगी है ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਿਸਤਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਕੋਈ ਬੰਜੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਕੋਈ ਕਪੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਅੱਛਾ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖਟਿਆ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਆਈ ਮੋਬਾਈਲ ਸ਼ੂਬੇ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਪੈਸੇ ਪਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਪੜਾ ਬਚਿਆ ਤੇ बिल बिल्कुल इन्हों शुदे की गरीबा दी बिल्कुल बहुत ज़्यादा इन्हों कस लग गई है तो ये माड़े लोग हैं इन्हों की हर शायद लुटी पुटी गई है हर चीज़ में अग लग गई है तो आला हुकाम तो गुजारिश है इन्हों की कोई मदद की जाए बहुत ही इन्हों का नुकसान हो गया जी नाजरीन तुलंबा अब्दुल हकीम और खाने वाल की जितनी भी फलाई तंजीमें हैं मेरी उनसे गुजारिश है कि आप तुलंबा के नवाई इलाका जंगल डेरे वाले के करीब ये लोग रह रहे हैं आप इनकी मदद को पहुंचे। ये बेसर समानी की हालत में इनका सब कुछ जल के राख हो चुका है नाजरीन आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकान पर ज़रूर प्रेस करें अपने मेज़बान नासिर शम्स को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज। पाक पब्लिक व्यूज़ की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें